Hey everyone, I'm your educator Nikita Kargeti. So in this video, we will talk about DNA replication experiment. आज हम बात करने वाले हैं DNA replication के experiment के बारे में. इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि DNA replication है क्या, DNA से DNA कैसे बनता है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी थी. आज मैं एक एक्सपेरिमेंट बताने वाली हूँ, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बेसिकली प्रूफ किया गया था, जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन होता है वो डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन होता है, ये प्रूव हुआ था. अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ. देखिए, रेप्लीकेशन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन, कंजर्वेटिव रेप्लीकेशन एंड डिस्पर्सिव रेप्लीकेशन. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन डिटेल में हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप समझ रहे होंगे कि आखिर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या थी. देखिए बच्चों, में पेरेंटल डीएनए है, राइट? पेरेंटल डीएनए से क्या बना, दो बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पे, ये जो डीएनए के स्ट्रेन थे, एक ओल्ड स्ट्रेन एंड एक न्यू स्ट्रेन यहाँ पे आया था. बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था, ये डीएनए क्या हुए थे, आप अलग अलग सेपरेट हुए थे. सेपरेट होने के बाद इनमें इन दोनों स्ट्रेन पे क्या हो गया था, टेम्पलेट पे आके क्या लग गया था, एक नया स्ट्रेन आके लग गया था. सो देखिए, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन मैंने आपको फुल डिटेल में बता दी है. और अगर आप में से किसी ने अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं देखी है तो आप इससे पहली वीडियो देख के आइए कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, कि डीएनए से कैसे डीएनए बनता है. सो देखिए, डीएनए से कैसे डीएनए बनना था ये हम देख चुके हैं. तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा था, एक होता है ओल्ड स्ट्रेन डीएनए का एंड एक होता है डीएनए का न्यू स्ट्रेन. मैं क्या कहना चाह रही हूं आपको अभी स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आएगा. देखिए, देखिए बच्चों, मेरे पास क्या था, पेरेंटल डीएनए था, ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए है. इस पेरेंटल डीएनए में क्या हुआ, डीएनए क्या हुआ, सेपरेट हुई, ये डीएनए क्या हुआ, सेपरेट हुआ. इसका स्ट्रेन क्या हुआ, आप एक दूसरे से सेपरेट हुए, एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, इनमें क्या आ गया, एक नया स्ट्रेन आके लग गया. तो अगर आप सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ओल्ड स्ट्रेन, यहाँ पे आपको एक ओल्ड स्ट्रेन देखने को मिलेगा एंड एक स्ट्रेन आपको क्या दिखेगा, न्यू स्ट्रेन देखने को मिलेगा. तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में आपको क्या देखने को मिला गया, जो डीएनए होगा, डीएनए का जो स्ट्रेन होगा उसमें आपको एक ओल्ड स्ट्रेन और एक न्यू स्ट्रेन देखने को मिलेगा. इसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. अब बच्चों देखिए, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होती है, अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की, तो देखिए अगेन हम एक पेरेंटल डीएनए बना देते हैं. अब देखिए, पेरेंटल डीएनए में क्या होगा, जब रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेंगे, टू डीएनए मिलेंगे. तो यहाँ पे देखिए, अब आपको डीएनए कैसे मिलेगा, एक ऐसा डीएनए होगा जहां पे दोनों के दोनों स्ट्रेन क्या होंगे, ओल्ड होंगे. दोनों के दोनों स्ट्रेन जहां पर क्या हो, ओल्ड हो. और एक सॉरी, यहाँ पे पहले वाले में क्या दिखेगा आपको, कि दोनों के दोनों स्ट्रेन क्या है, ओल्ड है. और दूसरे डीएनए में क्या देखने को मिलेगा आपको, दूसरे डीएनए में ये देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रेन है वो क्या है, न्यू है. तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या है, न्यू स्ट्रेन आपको क्या दिखेगा, जब रेप्लिकेशन होगी, आफ्टर रेप्लिकेशन, एक ओल्ड स्ट्रेन देखने को मिलेगा, एक न्यू स्ट्रेन देखने को मिलेगा. तो इसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव में हमने क्या देखा, कि एक अगर ओल्ड स्ट्रेन होगा तो एक क्या होगा, न्यू स्ट्रेन होगा. किसमें, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में. लेकिन कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, ओल्ड स्ट्रेन अलग बने अलग दिखेगा एंड न्यू स्ट्रेन अलग. इसके बाद आता है लास्ट, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. बच्चों देखिए, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन क्या है, अगेन मेरे पास डीएनए का स्ट्रेन है, ठीक है, इस आफ्टर रेप्लिकेशन मुझे क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर रेप्लिकेशन अब यहां पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर अभी आप समझेंगे क्या है. बस बेसिकली ये समझिए,
हम जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं वो हमने पढ़ी, अभी तक हमने पढ़ी थी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा कि एक जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा, एक डीएनए होगा, डीएनए में दो स्ट्रैंड जो होते हैं उनमें से एक स्ट्रैंड क्या होगा ओल्ड होगा, और उसमें एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक स्ट्रैंड क्या होगा न्यू होगा। यही क्या है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। लेकिन कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक डीएनए पूरा का पूरा ओल्ड स्ट्रैंड का है और एक डीएनए क्या है पूरा का पूरा न्यू स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे। दो के दो स्ट्रैंड क्या होंगे, न्यू होंगे। तो अब आते हैं डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा न्यू स्ट्रैंड आया, थोड़ा ओल्ड स्ट्रैंड, फिर न्यू स्ट्रैंड, फिर ओल्ड स्ट्रैंड, फिर न्यू स्ट्रैंड। तो ये वाला रेप्लिकेशन क्या कहलाता है, ये रेप्लिकेशन कहलाता है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। तो याद रखिएगा बच्चों, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन क्या है, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन हुआ है जहां पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको पहले ओल्ड स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है, देन उसी स्ट्रैंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है न्यू स्ट्रैंड। यहाँ पे कोई अलग से स्ट्रैंड में न्यू स्ट्रैंड बना हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है एक ही स्ट्रैंड किससे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की बात करूं तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में डीएनए को देखूं तो डीएनए किससे बना हुआ है, एक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ओल्ड स्ट्रैंड और एक कैसा दिखाई दे रहा है न्यू स्ट्रैंड। अभी वही मैं बात करती हूँ कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की। कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में मुझे क्या दिख रहा है, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में मुझे डीएनए जो है पूरा का पूरा या तो ओल्ड से ही बना है या फिर जो डीएनए है वो एक न्यू स्ट्रैंड से ही मिलकर बना है। सेमी कंजर्वेटिव में मैंने देखा जो डीएनए होगा वो ओल्ड स्ट्रैंड एंड न्यू स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड अगर ओल्ड होगा तो एक स्ट्रैंड क्या होगा न्यू स्ट्रैंड होगा। यहां पे मैं देख रही हूं कि या तो पूरा का पूरा डीएनए ओल्ड स्ट्रैंड से ही मिलकर बना है या पूरा का पूरा जो डीएनए है वो न्यू स्ट्रैंड से मिलकर बना है। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं डाइवर्सिव रेप्लिकेशन में तो यहां पे मुझे डीएनए कैसा दिख रहा है, स्ट्रैंड एक ही है, वन स्ट्रैंड है, लेकिन इस एक स्ट्रैंड में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इस एक स्ट्रैंड में मुझे क्या दिख रहा है, न्यू भी मुझे देखने को मिल रहा है एंड ओल्ड भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ओल्ड एंड न्यू एक ही स्ट्रैंड में देखने को मिल रहा है। यहां पर मुझे सेमी कंजर्वेटिव में एक स्ट्रैंड ओल्ड एक स्ट्रैंड न्यू देखने को मिल रहा था, कंजर्वेटिव में दोनों के दोनों या तो ओल्ड देखने को मिले थे या फिर न्यू। लेकिन डिस्पर्सिव में क्या दिख रहा है, जो एक ही स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड दो बेसिकली न्यू से भी बना है, मतलब उसमें एक नया स्ट्रैंड भी आके लगा हुआ है और पुराना स्ट्रैंड भी है, तो दोनों से मिलकर बना हुआ है एक स्ट्रैंड। तो इस तरीके से हमने बात कर डील कर लिया है सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन के बारे में। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी कहा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेसिकली ये प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूव हुआ था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मेल्सन सेथिल एक्सपेरिमेंट। ये 1958 में दिया गया था, मेल्सन सेथिल एक्सपेरिमेंट 1958 में ये दिया गया था। आप देखें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहां पे आप देख रहे हैं हैवी स्ट्रैंड, हाइब्रिड स्ट्रैंड एंड लाइट स्ट्रैंड, कुछ इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां पे मैंने डीएनए भी बनाया हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगी एंड लास्ट में इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को हम का कंक्लूजन निकालेंगे। ये समझिए ये कि पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कंक्लूजन बना के रखा हुआ है। तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, पहले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट में चले तो एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल से मैंने क्या ले लिया है, डीएनए ले लिया है, ठीक है। यहां पे इस पे क्या था, इसके पास क्या था, डीएनए था, मैंने इसका डीएनए ले लिया। अब मैंने इसको किसमें डाल दिया है, बेसिकली एक ई कोलाई में डाला है, और उसमें हमने मीडियम क्या लिया है उस ई कोलाई में हमने मीडियम लिया है N15, ठीक है। हमने यहाँ पे मीडियम क्या लिया है, N15 मीडियम।
अब देखिए बच्चों, ये N15 क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं पहला स्टेप आपको बताते जा रही हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ई कोलाई ग्रो किया कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, ई कोलाई को ग्रो किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में ई कोलाई को ग्रो कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 15N मीडियम। ई कोलाई ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ फिफ्टीन एन मीडियम। ये 15N में का मतलब मैं आपको बता दूं, 15N का मतलब है एक हैवी आइसोटॉप नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन के हैवी आइसोटॉप का नाम क्या है आपको, एक 15N। 15N क्या हैवी आइसोटॉप ऑफ, हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या है, नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटॉप है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, ई कोलाई को ग्रो कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 15N फॉर मेनी जनरेशंस। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने यहां पे बेसिकली मीडियम लिया, 15N मीडियम, हैवी आइसोटॉप लिया है हमने यहां पे। अब देखिए इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बेसिकली बच्चों, अब हम जो हमारा बेसिकली डीएनए है इसको हम किस में डाल देंगे, दूसरे मीडियम में डालेंगे, या फिर मैं कहूँ हमने अपना ई कोलाई को क्या करा है, अब दूसरे मीडियम में डाल दिया है। अब देखिए जब मैं ई कोलाई को एक दूसरे मीडियम में डाल रही हूं तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे इसको इसको पर्टिकुलर थ्री पार्ट्स में अलग अलग उसमें डाल दिया है। ये समझिए कि मैंने इनको क्या करा है, ई कोलाई को बांट दिया है अलग अलग, मीडियम सेम है लेकिन अलग अलग, ये समझिए कि अलग अलग मैंने क्या रखा है, इनको अलग अलग कर दिया। अब देखिए इन सब में मैं कर क्या रही हूँ, काम क्या कर रही हूँ, मैं ई कोलाई को ग्रो कर रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ई कोलाई को ग्रो कर रही हूँ। अब इस बार जो मीडियम मैंने लिया है, इस बार मीडियम मैंने लिया है 14N मीडियम। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सब में क्या लिया है, 14N मीडियम मैंने इस बार लिया है। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप मैंने सबसे पहले क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया। ई कोलाई को मैंने किस में ग्रो किया, ई कोलाई को मैंने ग्रो किया 15N मीडियम में। 15N मीडियम क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटॉप है। इसके बाद क्या किया सेल, अब देखिए क्या हुआ, इसमें डालने के बाद क्या हो जाएगी, जो सेल है सेल क्या हो जाएंगी, सेल हो जाएंगी हैवी, हैवी लेवल्ड हो जाएंगी। सेल क्या हो जाएंगी, सेल में क्या हो जाएगा, हैवी लेबल्ड डीएनए होगा। यहाँ पे क्या देखिए देखने को मिलेगा आपको, हैवी लेबल्ड डीएनए। अब इस हैवी लेबल्ड डीएनए को मैं क्या करूंगी, ये हैवी लेबल्ड डीएनए मैं ट्रांसफर करूंगी दूसरे मीडियम में, जिस जो है 14N मीडियम। 14N मीडियम में क्या है तो बता दूं आपको, देखिए 15N मीडियम होता हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, एंड 14N मीडियम होता है लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हम मैंने क्या किया, बेसिकली सेकेंड स्टेप क्या किया, फर्स्ट स्टेप तो मैंने ई कोलाई को ग्रो किया इन द प्रेजेंस ऑफ 15N मीडियम। अब मैं क्या करूंगी, सेकेंड स्टेप में क्या करूंगी, ई कोलाई को प्लेस करूंगी। सेकेंड स्टेप मैंने क्या कर रखा है, ई कोलाई को कहां प्लेस किया, ई कोलाई प्लेस्ड इन मीडियम कंटेनिंग ओनली, मीडियम कंटेनिंग ओनली 14N। अब देखिए बच्चों मैंने क्या किया, पहले मैं तो मैंने पहले स्टेप में मैंने क्या किया, बेसिकली ई कोलाई को मैंने ग्रो किया 15N मीडियम में। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, अब इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया दूसरे मीडियम में जो कि है 14N मीडियम। 14N मीडियम मैंने अभी बताया आपको ये क्या है, लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये क्या, ये चीजें क्या क्या हैं, 14N क्या है, 15N
15N क्या है, ये चीजें आप याद रखिएगा। पहला स्टेप समझ में आ गया, पहले मैंने हैवी आइसोटोप वाले मीडियम में रखा, देन मैंने इसको प्लेस करा लाइट आइसोटोप वाले मीडियम में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या याद करना है। अब देखिए होगा क्या, थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, सेल्स क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। होगा क्या, पहली चीज ये समझ लीजिए। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो सेल्स होंगी, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, सेल्स क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। एंड क्या होगा, सेल के ब्रोकन टूटने से क्या होगा, यहां पे जो एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखिए मैंने किया क्या, पहले वाले में को मैंने रखा सिर्फ और सिर्फ 0 मिनट के लिए। पहले वाले को मैंने इसको प्लेस किया था सेम मीडियम में, लेकिन मैंने इनकी टाइमिंग अलग अलग रखी है। मैंने क्या किया, यहां पर इकोलाई को डाला किसमें, 49 मीडियम में, और डाल के तुरंत निकाल दिया। तो मैंने कितना मिनट लिया, सिर्फ और सिर्फ 0 मिनट लिए। इस वाले में क्या करूंगी मैं, यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसमें इकोलाई में रहने दूंगी। कितने देर के लिए, 20 मिनट के लिए मैं इसको इकोलाई में ही रहने दूंगी। एंड थर्ड वाले में मैं क्या करूंगी, इसे 40 मिनट तक इकोलाई में रहने दूंगी। तो मैंने क्या किया, पहले वाले में मैंने इकोलाई को डाला और निकाल दिया, दूसरे वाले में मैंने क्या किया, दूसरे वाले में मैंने उसे 20 मिनट तक रखा और थर्ड वाले में मैंने उसे 40 मिनट तक रखा। तो आपने वन बाय वन एक एक करके स्टेप को समझना है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखिए क्या हुआ कि जो सेल है वो क्या होगा, टूट गई और जो डीएनए था वो एक्सट्रैक्ट हो गया, वो मतलब एक्सट्रैक्ट डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ और वो मतलब कि डीएनए क्या बाहर आ गया। ठीक है, अब डीएनए बाहर आया तो क्या देखने को मिलेगा, देखो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप हमने क्या करना है, द फोर्थ स्टेप इज हम यहां पे जो सस्पेंडेड डीएनए है, ठीक है, जो सस्पेंडेड डीएनए है, सस्पेंडेड डीएनए को मैं क्या करूंगी, मैं इसे डाल दूंगी सीजियम क्लोराइड में। सस्पेंडेड डीएनए को मैं किसमें डाल दूंगी बच्चों, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। अब बच्चों देखिए मैं आपको सीजियम यहां पे क्या हो रहा है ये समझा दूं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों होगा क्या, मैं यहां पे प्रोसेस करूंगी सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन। बच्चों याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, बेसिकली आप ये समझिए, आपने क्या किया रहा, जो आपके पास डीएनए आया, बेसिकली जो भी आपका इकोलाई है, आपने क्या किया, एक मिक्सी ली, ठीक है, एक मिक्सी ली और इस मिक्सी में इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, इस मिक्सी में इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है आपने उसको क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेट किया उसको, मिक्स बेसिकली काफी टाइम, जैसे मिक्सी चलती है ना वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझिए इस तरीके से कुछ एक मशीन होती है जहां पे क्या होता है, आप क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, इसमें जो भी आपका मटेरियल है उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो बच्चों क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो आप देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन कब किससे कर रहे हैं ये भी याद रखिए, यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन भी ले रहे हैं सीजियम, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा हम क्या ले रहे हैं, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के बाद क्या होगा, देखिए हमें क्या दिखेगा, जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जो लाइट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो हाइब्राइड होगा वो बीच में कहीं आ जाएगा, कुछ इस तरीके का हमें कब दिखेगा, जब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हमें कुछ इस तरीके की प्रोसेस देखने को मिलेगी। मतलब जो डीएनए होगा अगर वो 15N लेबल्ड होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताती हूँ, चलिए आगे चलते हैं फिर समझाती हूँ इसे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था इसको 0 मिनट के लिए, मैंने क्या करा था 15N मीडियम में डीएनए को डाला, एंड देन 15N मीडियम क्या था, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटॉप था। तो मैंने उसके बाद इसे किसमें रिप्लेस किया, बेसिकली प्लेस किया मैंने 14N मीडियम में, लेकिन इसमें 40N मीडियम में डाला और डाल के निकाल दिया, तो मैंने 0 मिनट के लिए रखा उसे इसमें। तो मैंने क्या देखा, मुझे वहां पे पेरेंटल डीएनए ही देखने को मिला, मतलब कि वो जैसा था
जो पहले कंडीशन में था, मतलब कि जो पहली कंडीशन में वो हैवी आइसोटोप वाला था, यहां पे भी मुझे क्या दिखा, हैवी आइसोटोप वाला ही देखने को मिला। मैं क्या कहूंगी यहां पे, जितना भी मुझे देखने को मिला वो क्या क्या था, सारा का सारा क्या था, हैवी था। उसके बाद मैंने दूसरे वाला चेक किया, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ये सारी चीजें मुझे देखने को मिल रही है। बच्चों मुझे तब तक नहीं देखने को मिल सकता जब तक मैं सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस ना करूं। मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की किसकी हेल्प से, सीजियम क्लोराइड की वजह से। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो मैंने देखा, उसके बाद जो मैंने 40 जो 0 मिनट वाला देखा, उस 0 मिनट वाले में कोई भी चेंजेस मुझे देखने को नहीं दिखाई दिए। इसका मतलब कि वहां पे जैसा पेरेंटल डीएनए था वैसा का वैसा मुझे देखने को मिला, सारे के सारे क्या थे, हैवी थे। उसके बाद मैंने देखा 20 मिनट वाला, 20 मिनट वाले में देखो बच्चों क्या हुआ, यहां पर आपको फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, जो मैंने 20 मिनट के लिए रखा वहां पर मुझे फर्स्ट जनरेशन देखने को मिली। एंड देन लास्ट जिसे मैंने 40 मिनट के लिए रखा, यहां पर मुझे सेकेंड जनरेशन भी देखने को मिली। तो ये याद रखिए, जब मैंने उसको 0 मिनट के लिए रखा तो 0 मिनट वाले में क्या हुआ, वो पेरेंटल ही था, मतलब हैवी का हैवी था। यहां 20 मिनट के लिए रखा तो मुझे यहां पे मतलब कि सेकेंड जनरेशन देखने को मिली। ये समझिए, ये अगर पेरेंटल है तो इससे क्या बन चुके हैं, आगे भी और डीएनए बन चुके हैं, इसके आगे की जनरेशन आ चुकी है। इसका मतलब ये है फर्स्ट जनरेशन मुझे यहां पे देखने को मिल रही है। एंड जिसे मैंने 40 मिनट के लिए रखा उसमें मैंने क्या देखा, वहां पर मुझे सेकेंड जनरेशन भी देखने को मिल रही है, यहां पर तो मुझे फर्स्ट जनरेशन देखने को मिली जो मैंने 20 मिनट के लिए रखा, लेकिन यहां पर मुझे क्या देखने को मिला, यहां पर मुझे सेकेंड जनरेशन भी देखने को मिली। तो चलिए जो पहले ही वाला स्लाइड जो मैंने आपको कहा था आपको लास्ट में समझाऊंगी उस पर चलते हैं। देखिए पहला वाला मैंने क्या कहा आपसे, सबसे पहला वाला जिसे मैंने 0 मिनट के लिए रखा तो 0 मिनट वाला क्या था, हैवी डीएनए देखने को मिला, मतलब वो 15N वाला ही मुझे देखने को मिला। दैट मींस मुझे ओरिजिनल डीएनए ही देखने को मिलेगा, ओरिजिनल पेरेंटल मॉलिक्यूल ही मुझे देखने को यहाँ पे मिला। उसके बाद सेकेंड ये वाला कब था, ये था 0 मिनट वाला जिसे मैंने 0 मिनट के लिए ही किसमें डाला था, 14N मीडियम में डाला था। उसके बाद दूसरे वाले को मैंने कितने मिनट्स के लिए डाला था, 15 के लिए डाला था। मैंने आपको बताया था मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, सेकंड जनरेशन देखने को मिल रही है। तो सेकंड जनरेशन जब मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है तो मैंने यहाँ पे देखा मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हाइब्राइड डीएनए दिखाई दे रहा है। हाइब्राइड का मतलब देख रहे हैं आप, यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखने को मिल रही है। एक है ओल्ड स्ट्रैंड, ठीक है, और एक यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, न्यू स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है। मुझे पहली जनरेशन देखने को मिली, तो समझिए ये पेरेंटल से आप क्या बन चुके हैं, एक पहली जनरेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि क्या है, हाइब्राइड है। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, फर्स्ट जनरेशन देखने को मिली, कब, जब मैंने क्या मैंने इसे 14N मीडियम में 20 मिनट्स के लिए रखा। एंड देन इसके बाद मैंने इसे कितने मिनट्स के लिए रखा था, 40 मिनट के लिए रखा था। तो जिसे मैंने 40 मिनट के लिए रखा था वहां पे मुझे दो चीजें देखने को मिली, एक तो मुझे यहाँ पे हाइब्राइड डीएनए देखने को मिला। देखिए एक हाइब्राइड डीएनए ये है, हाफ मुझे हाइब्राइड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, हाफ मुझे हाइब्राइड देखने को मिल रहे हैं एंड हाफ मुझे क्या देखने को मिल रहे हैं, लाइट देखने को मिल रहे हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जब हम अब इसे ई कोलाई को प्लेस कर रहे हैं 14 मिनट के लिए किसमें, 14N मीडियम में, तो मुझे यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मुझे दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा मुझे लाइट डीएनए देखने को, मैंने आपको पहले ही बताया था जो लाइट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, लाइट देखने को मिल रहा है। हैवी क्या होगा, हैवी सबसे नीचे जाता है, हाइब्राइड बीच में आ जाता है, लाइट तो सबसे ऊपर जाता है। देखिए हाइब्राइड मुझे देखने को मिल रहा है। तो जब क्या होगा, जब मैं बेसिकली इसको क्या कर रही हूं, 40 मिनट्स के लिए रख रही हूं, तो मुझे कैसा दिखाई देगा, हाफ मुझे हाइब्राइड देखने को मिलेगा, ठीक है, हाफ मुझे क्या देखने को मिल रहा है, हाफ मुझे हाइब्राइड देखने को मिल रहा है और हाफ मुझे क्या दिखेगा, लाइट डीएनए देखने को मिलेगा। तो यही था मेल्शन का एक्सपेरिमेंट, जिसने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को, जिसने ये प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। और आप देख रहे हैं यहां पर हमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही देखने को मिल रही है। तो बच्चों इसका अगर मैं कहूं इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन तो बच्चों यही निकला कि कंक्लूजन क्या निकला इसका, इस
एक्सपेरिमेंट का अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में ये निकला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहां पे कौन सा रेप्लिकेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, ये कंक्लूजन मेरा एट द एंड इस एक्सपेरिमेंट से निकला। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। अब देखिए बच्चों, एट द लास्ट हम करते हैं 3 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत अच्छा और बहुत ईजी ये है, तो समझिएगा। देखिए मेरे पास क्या है, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया, डीएनए लिया। अब देखिए ये वही वाला डीएनए है, आप वन बाय वन करके चलिए। मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले करा 15N मीडियम में, मैंने इसे डाला 15N मीडियम में, ये क्या हो चुका है, हैवी हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 0 मिनट के लिए इसको किसमें डाल रखा है, 14N मीडियम में। तो ये है 0 मिनट वाला, जहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ओरिजिनल डीएनए ही देखने को मिल रहा है। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, ओरिजिनल डीएनए ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद दूसरे वाले में मैंने क्या किया था, मैंने इसको रख दिया 20 मिनट के लिए। कितने मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए जब मैंने इसे 20 मिनट्स के लिए रखा, तो मैंने यहां पर देखा कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक डीएनए का स्ट्रेन क्या है, ओल्ड है, और एक क्या दिखाई दे रहा है, न्यू स्ट्रेन मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है। मतलब कि मुझे यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे यहां पे फर्स्ट जनरेशन देखने को मिल रही है। फर्स्ट जनरेशन मुझे कब देखने को मिलेगी बच्चों, जब मैं इसको कितने मिनट्स के लिए रख रही हूं, 20 मिनट्स के लिए किस रख रही हूं, 14N मीडियम में। इसके बाद देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखिए इनमें भी रेप्लिकेशन होगी। अब मुझे यहां, अब मैंने इसको कितने मिनट्स के लिए रखा है, 40 मिनट्स के लिए रख दिया। पहले मैंने इसे 0 मिनट के लिए रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर मैंने इसे 20 मिनट के लिए रखा। अब देखिए बच्चों, अब मुझे यहां पे देखने को क्या मिलेगा, और आपको फर्स्ट वाली प्रोसेस भी अभी समझ में आ जाएगी। इसे देख के आपको फर्स्ट वाली प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी, जो अभी फर्स्ट में मैंने डायग्राम बनाया था वो भी यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, जस्ट अ वेट, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा, जहां पे मुझे क्या दिख रहा है, हाफ मुझे हाइब्रिड दिख रहा है एंड हाफ मुझे क्या दिख रहा है, लाइट देखने को मिल रहा है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ पे कट करती हूँ अभी, आप ये समझिए। आप बस इतना समझिए, पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ये ओरिजिनल डीएनए जो था इसको 20 मिनट्स के लिए मैंने 14N मीडियम, पहले 15N मीडियम में रखा, उसके बाद मैंने 0 मिनट्स के लिए इसको 14N मीडियम में रखा। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई, ये ओरिजिनल डीएनए ही था। उसके बाद मैंने इसको रखा, इसी डीएनए को मैंने रख दिया 20 मिनट के लिए। अब इसे दोबारा से मैंने क्या करा, उसमें डाला और 20 मिनट के लिए रखा, तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए देखने को मिला, जहां पर मुझे एक नया स्ट्रेन बनते हुए दिखाई दिया। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन देखने को मिली। इसके बाद इनमें इसको मैंने इसी को मैंने किस में रखा, इसी को मैंने फिर 40 मिनट्स के लिए रखा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये समझिए कि इसमें मैंने क्या कर दिया, 20 मिनट्स और ऐड कर दिया, ऐसे समझिए। एंड देन मुझे यहाँ पे देखने को क्या मिला, यहाँ पर मुझे सेकेंड जनरेशन देखने को मिली। यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रही है, सेकेंड जनरेशन देखने को मिल रही है, जिसमें से हाफ मतलब इसमें क्या है, एक में क्या है न्यू स्ट्रेन और एक में क्या है ओल्ड स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, और एक में क्या है पूरा के पूरा न्यू स्ट्रेन देखने को मिल, न्यू स्ट्रेन भी नहीं कहेंगे, एक ही क्या है ये वाले स्ट्रेन में तो बेसिकली क्या हुआ है, रेप्लिकेशन हुआ है, तो ये भी न्यू स्ट्रेन नहीं हुआ। बेसिकली आप ये समझिए कि यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिली है, सेकेंड जनरेशन देखने को मिली।
मान लीजिए मैंने इसको किस में रख किस लिए रख दिया, मैंने इसको रख दिया 60 मिनट्स के लिए। तो 60 मिनट में मुझे क्या दिखाई देगी, जब मैं इसे रखूंगी 60 मिनट के लिए रखूंगी, तो 60 मिनट में मुझे कौन सी जनरेशन दिखाई देगी, थर्ड जनरेशन देखने को मिलेगी। थर्ड जनरेशन कैसे देखने को मिलेगी, और थर्ड जनरेशन में मुझे कितने देखने को मिलेंगे बच्चों, अब मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं बना रही हूं इसे, ऐसे समझिए, बस इसको समझिए। यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड आया, एक ये होगा, बाकी सारे क्या होंगे, चलिए बना ही लेती हूँ मैं आपके लिए। कुछ इस तरीके का मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइक दिस। यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, थर्ड जनरेशन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। थर्ड जनरेशन में आप ये देख रहे होंगे, अब यहाँ पे हाफ वाला जो सिस्टम था वो नहीं है, अब यहाँ पर ज्यादातर आपको क्या दिखाई देंगे, लाइट ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से 3 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या होती है, खत्म होती है। तो आई होप आपको ये आज की छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी क्या हुआ है। अगर हम इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो बस इतना हमने देख लिया है, इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकला है, हैवी सा यहाँ पे क्या होगा, जब हम उसे 0 मिनट के लिए रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ओरिजिनल का ओरिजिनल डीएनए ही मिलेगा हमें। बट उसे हम 20 मिनट्स के लिए रखते हैं तो वो क्या होगा, डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लीकेट हो जाएगा, एंड देन हमें क्या मिलेंगे, डॉटर डीएनए देखने को मिलेगा। एंड थर्ड राउंड में अगर हम उसे 40 मिनट के लिए रखते हैं तो हमें यहाँ पे एक यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे हमें सेकेंड जनरेशन, वैसे ही अगर मैं इसको 60 मिनट के लिए रखती हूँ तो मुझे थर्ड जनरेशन देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन करके इस एक्सपेरिमेंट ने, बस आप ये याद रखिए, इस ये एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया था कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। दैट्स इट, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।